पिथौरागढ़ सौर घाटी कुमोंड में आयोजित हिलास्त्रा का भव्य आयोजन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में महिला बच्चों व अन्य लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही अनेक प्रकार के जानवरों व आकर्षक नृत्यकाओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें नेता भी मौजूद रहे। कहा गया कि महल लोगों की यह परंपरा पिथौरागढ़ में एक अलग ही पहचान के साथ मेले का आयोजन करने के साथ साथ बढ़ चढ़ कर भव्य रूप के साथ किया जाता है। साथ ही मेले के समापन के दौरान बलि प्रथा का भी प्रचलन किया जाता है। मेहरों का कहना है कि हर जगह की भांति लोक संस्कृति के साथ साथ इस परंपरा को जीवित रखने के लिए प्रतिवर्ष हिलज यात्रा का आयोजन करते हैं, जिसका मुख्य पात्र लखिया भूत होता है। इसके साथ ही इस मेले में हिरण, बैल, गलिया बैल व नृत्यकाओं का भी आयोजन किया जाता है, जो नेपाल के राजाओं ने हमारे पूर्वजों की वीरता को देखते हुए मुखौटे प्रदान किए थे। हर जगह की अपनी एक लोक संस्कृति होती है और कुमोंड गांव की एक लोक संस्कृति चलती आ रही है कि प्रतिवर्ष हम यहां पे यात्रा का मंचन करते हैं। इसी के अनुरूप आज दोबारा एक बार जो है कि हमारे यहाँ यात्रा का मंचन किया गया, जिसका मुख्य पात्र लखिया भूत है। उसके साथ ही साथ गलिया बल्द, घोड़ा बल्द, बड़े बल्दों की हॉल, हिरण चित्तल का और जो नृत्यिकाएँ होती हैं उसका यहाँ पे मंचन किया जाता है। इसका मुख्य जो है हमारे जो पूर्वज थे उनकी वीरता को देखते हुए नेपाल के राजा ने एक उपहार स्वरूप जो मुखौटे यहाँ के हमारे वंशजों को दिए थे, उस रीत को चलाते हुए आज का युवा वर्ग भी उसको आगे ले जा रहा है। और हम ये आशा करेंगे कि आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हमारी इन परंपराओं को सजो के रखेगी। वहीं शमशेर महर ने कहा कि हिलज यात्रा मेला आठू गौरा के दौरान मनाया जाता है, जबकि लखिया भूत का जन्म शिव की जटाओं से होना बताया गया है। यात्रा पूरे सौर में हर गांव में तकरीबन मनाई जाती है, लेकिन कुमोंड सौर की यात्रा में अलग ही महत्व है, क्योंकि यह आठू के पर्व के दौरान गौरा माता के उसमें किया जाता है। और हमारा जो लखिया भूत जो गण है शिवगण, वो शिव की जटा से उत्पन्न हुए हैं ये मानना है, और यह नेपाल से स्पेशली हमें मिला था ताकि नेपाल की और भारत की जो मैत्री है वो मैत्री बनी रहे, प्रेम व्यवहार बना रहे। देवभूमि न्यूज़ पिथौरागढ़।